6 दिसंबर से शुरू हो रहे 2 दिवसीय राज्य स्तरीय हमीर उत्सव के शुभारंभ अवसर पर हमीरपुर में करोड़ों के शिलान्यास और उद्घाटन होंगे। राज्य स्तरीय इस उत्सव का शुभारंभ करने आ रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जहां कई नव निर्मित भवनों के उद्घाटन करेंगे, वहीं कई सरकारी भवनों की आधारशिला भी रखेंगे। 6 दिसंबर से शुरू हो रहे 2 दिवसीय राज्य स्तरीय हमीर उत्सव के शुभारंभ अवसर पर हमीरपुर में करोड़ों के शिलान्यास और उद्घाटन होंगे। राज्य स्तरीय इस उत्सव का शुभारंभ करने आ रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जहां कई नव निर्मित भवनों के उद्घाटन करेंगे, वहीं कई सरकारी भवनों की आधारशिला भी रखेंगे। डीसी हरिकेश मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रवास कार्यक्रम के अनुसार वे 6 दिसंबर सुबह हवाई मार्ग से हमीरपुर पहुंचेंगे। सर्वप्रथम वे अणु स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ करेंगे। इसके पश्चात वे जनियारा में ईवीएम भंडारण ग्री बियर हाउस का शिलान्यास, सासन में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की निरीक्षण कुटीर का लोकार्पण, हथलीकड़ के समीप आदेशक गृह रक्षक वाहिनी के कार्यालय भवन का लोकार्पण किया जाएगा। उसके तत्पश्चात मुख्यमंत्री गसोता में पेयजल आपूर्ति योजना गसोता तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के लंबड़ू व खग्गल के लिए 33 KV सब स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे। इसी दिन दोपहर बाद वे मठानी में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करेंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके उपरांत वे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हमीरपुर में जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे। उस दिन 7-8 शिलान्यास रखे हैं, उसमें जैसे 9:45 के आसपास सीएम साहब आएंगे 6 को, जो अणु का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है या वेयर हाउस के ईवीएम का वेयर हाउस है, आईपीएच का इंस्पेक्शन हट है या और वेलफेयर की बिल्डिंग है या होमगार्ड की बिल्डिंग का फाउंडेशन है और गसोता में हमारे जो आईपीएच की डब्ल्यूएसएस जो स्कीम है या 3 सब स्टेशन है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, ये सारे प्रोग्राम शेड्यूल्ड है। और टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 12:30 से 1:30 बजे का, वहाँ भी उनके 4 फाउंडेशन और इनोग्रेशन है, तो प्रोग्राम काफी उस दिन टाइट है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।